डेविड की इतनी चर्चा हुई ना, डेविड की इतनी तारीफ हुई वो डांस वाले मेरे व्लॉग में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, मतलब मैंने पूरा घर का काम भी कर लिया, सब कुछ हो गया है। तो गाइस, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग से पूछा था कि मैंने जो मिंत्रा से मंगाया है और भी सामान, वो आप लोग को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, हॉल वीडियो करूं कि नहीं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, मतलब कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी आप दिखाओ क्या क्या मंगाया है। तो मैं सोची आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं जा रही हूँ अभी लंच बनाने के लिए, क्योंकि नीरज अभी थोड़ी देर में आएंगे। वैसे तो अभी नीरज को टाइम है, पर मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ। एंड लंच में आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। तो नीरज तोरी लेके आए थे एंड मेरे को नहीं पता था कि ये तोरी बनाते कैसे है। अब नहीं पता मतलब, क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में वो तोरी बनाया नहीं है एंड खाया भी नहीं है। मैं ऐसे यूट्यूब में तो देखने नहीं वाली हूँ, जैसे मैं नॉर्मल सब्जी वगैरह बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी, देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग भी सोचते होंगे ना, मैं कुछ भी सब्जी बनाती हूँ बोलती है कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। क्या शादी से पहले काम नहीं करती थी क्या? काम करती थी, थोड़ा बहुत करती थी। खाना भी मैं कभी कभी बनाया करती थी, पर ज़्यादातर मेरी मम्मी बनाते थे, तो इसलिए मुझे इतने अच्छे से सब्जी वगैरह का आइडिया नहीं है कौन कैसे क्या बनता है। मुझे नॉर्मल जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सब आता है बनाना, पर प्रॉपर एक जो एक प्रॉपर खाना एकदम होता है ना, कभी कभी मतलब जैसे फेस्टिवल में बनता है नेपालियों का सेल रोटी एंड गुजिया, ये सब इतना खतरनाक है, ये सब खाना बनाना मुझे नहीं आता। बट कोई नहीं, मैं सीखूँगी धीरे 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 धीरे, सब सीखा जाएगा गाइज। अभी मैं सोच रही हूँ अब ना धीरे धीरे ना मैं यहाँ पर नई नई चीज़ें बनाऊंगी, ताकि मेरे को भी आए एंड वीडियो में भी थोड़ा नया कंटेंट हो और आप लोग को भी नया नया चीज़ देखने को मिले कि हाँ ये कभी क्या बना रही है, कभी क्या बना रही है। ये नहीं हो कि डेली मैं मोमो ही दिखा रही हूँ इसलिए। तो अभी मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बना लेती हूँ, अगर अच्छा बना तो फिर नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। वो बिरयानी की तरह ना हो जाए ना कहीं, मैं आप लोग को अभी पहली रेसिपी दिखा रही हूँ, बाद में जाके फुस इतनी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी। तो यार सब्ज़ी बनाती हूँ और सब काम तो मैंने कर लिया है, फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मिंत्रा हॉल जो मैंने मंगाया था। तो गाइज़ मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी है, तो उसको अभी नीरज को देते हैं, नीरज भी आ चुके हैं, तो टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कैसा लगता है उनको। एंड मैंने यहाँ पर रोटी भी बना दिया है नीरज के लिए। तो आज हम लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि आप बेड में बैठ के खाते हो। नीरज जी क्यों खाते हो बेड में बैठ के? नहीं मैं अब जमीन में बैठ गया, अब नहीं बैठूंगा बेड में। हैं? सब्सक्राइबर को गुस्सा कर दिया आपने? नहीं नहीं आप तो बैठते हो, मुझे भी बिठाते हो। सॉरी, देखो मैं अभी नीचे बैठ के खा रहा हूँ। और ये मैंने आज बनाई है तोरी की सब्जी नीरज की डिमांड में। क्या बात है। तो ये मैंने बनाया फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम। यस फर्स्ट टाइम बनाया है। तो आप बताना कैसा है? नीरज भी सोचते हैं हर चीज़ फर्स्ट टाइम बनाती है, शादी से पहले खाना ही नहीं बनाती थी। क्या है ये? चलो ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम बना रही है तो मेरे लिए बना रही है। आगे बताता हूँ। एकदम बढ़िया, अच्छा बना। तो नीरज को तो अच्छा लग गया, पर मेरे सिंपल खाना बहुत अच्छा है, हरी सब्जी होनी चाहिए और रोटी हो जाएगा। नीरज ने अपने लिए सलाद भी काटा है, प्याज। गर्मी ज़्यादा है ना तो प्याज खाना चाहिए, ठीक है। और नीचे खा के तो और भी खाना टेस्टी लग रहा है। डाइनिंग टेबल बना है, वापस वाला पंखा ही नहीं है यार, दिमाग खराब, गर्मी होता है ना तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के खाते हैं। बिल्कुल, अब से नीचे बैठ के खाना है, ठीक है ना? डन डन करो इधर। अगर ऊपर बैठ के खाते हुए दिखे आप मुझे तो देखना भाई, ठीक है? नहीं ऑप्शन नहीं बैठूंगा गाइस, मैं नहीं बैठती हूँ, यही मेरे को फोर्स करते तो मैं ऊपर बैठती हूँ, देखो। चलो अभी हम खाना खाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं हॉल वीडियो दिखाऊंगी मिंत्रा से जो मैंने मंगाया था। सो दिस इज पूरा पैकेट जो मैंने मंगाया, एंड नॉट स्पॉन्सर वीडियो, ये पैसों से मंगाया गाइज मैंने। और ये जो तीन पार्सल है ना, ये मेरा परसों आया था, और ये जो एक पार्सल है वो मेरा आज आया। एंड नीरज को इतनी जल्दी थी पार्सल देखने की, उन्होंने मेरी पार्सल को इतने खतरनाक तरीके से फाड़ा है गाइज, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रहती है देखने के लिए कि क्या मंगाया मेरी बीबी ने।
तो फिर इसी से स्टार्ट कर लेती क्योंकि ऑलरेडी पता हुआ है। तो इसमें मैंने मंगाया है शर्ट, क्योंकि आपने देखा होगा एक बार मैंने वो ब्लू एंड वाइट शर्ट पहना था जो नीरज ने मेरे को दिया था, तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था कि शर्ट में मैं अच्छी दिखती हूँ। तो मैंने सोचा एक शर्ट मंगाया जाए, तो मैंने ये कलर का शर्ट मंगाया क्योंकि ये कलर का मेरे पास शर्ट नहीं था एंड इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है गाइस। तो मैं इसको कभी भी लगाऊंगी तो आपको दिख जाएगा वीडियो में। एंड ये अभी ऐसे दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा या तो इतना खास नहीं लग रहा होगा। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था, जो मॉडल ने पहना था तो उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा, बट फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो कभी मैं वेयर करूँगी तो आपको दिख जाएगा। एंड मैं सबके लिंक दे दूँगी क्योंकि पिछली बार मैंने वो कॉर्ड सेट का लिंक नहीं दिया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मांगा था, फिर मैंने पिछले व्लॉग में दे दिया था। पर मैं अभी सोच रही हूँ कि सबका ही लिंक दे दूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद हो तो आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट यही था मेरा शर्ट, और दूसरा है ये। तो ये ऐसे शॉर्ट कुर्ती टाइप मतलब है शॉर्ट में। तो आजकल मैं ऐसे शॉर्ट कुर्ती ऐसा क्यों मंगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहनने के लिए हो जाता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ऐसे शॉर्ट कुर्ती, आपको तो पता ही, वैसे मैं बहुत ओपन ड्रेस पहनती हूँ, क्रॉप टॉप पहनती हूँ, बट यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं क्रॉप टॉप पहन के जा रही हूँ एंड ऐसे ओपन ड्रेस पहन के जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहनने के लिए तो ऐसे शॉर्ट कुर्ती मंगाई है। एंड मेरे को ये बहुत ही अच्छा लग भी रहा था, इसका डिटेल भी देखो यहाँ पे कितना अच्छा काम है, एंड ये इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको शॉर्ट कुर्ती पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। तो गाइस जब भी मैं क्रॉप टॉप ऐसा पहनती हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो। गाइस मैं जगह माहौल देख के कपड़े पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आर्मी एरिया में हूँ अपने पति के साथ तो मैं क्रॉप टॉप पहन के घूम रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास दिमाग है कि ऐसे जगह पे ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो इसलिए मैंने ऐसे कुर्ती वगैरह मंगाया ताकि मैं यहाँ पे पहन सकूँ। तो जब भी मैं कभी बाहर होती हूँ, कभी घूमने जाती हूँ या कभी मुंबई गई तो तब मैं पहनती हूँ शॉर्ट कपड़े, तो इसलिए ऐसे कमेंट मत किया करो। एंड इसको आप मंगा लीजिएगा, इस बहुत ही क्यूट एंड प्यारा सा लग रहा है। तो यस, दूसरा कपड़ा मेरा ये है। और तीसरा है ये, और ये है जंपसूट गाइस। ये पूरा ऐसे लॉन्ग में जंपसूट टाइप का है, आप लोगों को पता ही होगा जंपसूट क्या होता है। तो ये कलर ना मुझे बहुत ही टाइम से मतलब आंखों में गड़ा हुआ था कि मुझे ये कलर लेना है, मतलब ये कलर ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने ये जंपसूट मंगाया है। एंड इसको देखते हैं मैं कब वेयर करूँगी, कभी नीरज और मैं गए आउटपास के लिए बाहर तो मैं इसको पहन के जाने वाली हूँ। एंड कपड़ा मतलब बहुत ही अच्छा, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, और जंपसूट तो सारी लड़कियों में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसमें ऐसा कट वाला डिज़ाइन भी है, तो यस एक ये है। और लास्ट मैंने एक ड्रेस मंगाया है, लॉन्ग ड्रेस, ये भी पिंक एंड पर्पल कलर का है। तो इसका पता कैसा है, मतलब ऐसे हाफ में है ये, ऐसे पूरा गले में ऐसा होता है, ऐसे टाइप का, मतलब यहाँ गले तक का है और यहाँ से हाफ है मतलब। तो ये ऐसे पूरा लॉन्ग में है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे को वेट नहीं हो रहा इसको, और इसको मैं कब पहनूंगी, जब भी पहनूंगी आपको ऑब्वियसली दिखेगा। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स इतने टैलेंटेड हैं कि उनको पता चलता है कि मैंने कौन सा कपड़ा कहाँ से मंगाया, कौन सा कपड़ा मुझे किसने गिफ्ट दिया है, तो वो पूरा दिमाग में याद रखते हैं। कभी भी मैं जैसे पहनती हूँ ना तो मैं पूछती हूँ कि आप लोग बताने कि मेरे को किसने दिया था, आप लोग बताने ये मैंने कहाँ से लिया था, तो वो लोग इतनी जल्दी बता देते हैं आपको ये उसने दिया था, आपने ये वहाँ से लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिछली बार मैंने 15 अगस्त वाला जो वीडियो डाला था तो उसमें मैंने पूछा था कि वो टी शर्ट मेरे को किसने दिया था, तो नीरज ने दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था नीरज ने दिया। एंड कोई कोई लोग तो ये भी बोले थे जब आप मुंबई से वापस आए थे तो उस दिन तब आपको नीरज जीजू ने दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब इतना डिटेलिंग में आप मेरी वीडियोस देखते हो एंड इतना याद रखते हो। कभी कभी तो कुछ चीज़ मैं ही भूल जाती हूँ बट आप लोग नहीं भूलते हो, तो लव यू गाइस। एंड ये एक ड्रेस है, मैं सबका ही लिंक दे दूँगी, आप ले सकते हैं। तो यस गाइस, ये चार चीज़ मैंने मंगाया है, आप लोग बताना इस चारों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग हॉल पसंद आई होगी। तो गाइज अभी ना बज रहे हैं शाम के 7:30, तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि आज भी मुझे जाना है पार्टी में, क्योंकि यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है या हुई है ये तो मुझे नहीं पता, वहीं पे जाके पता चलेगा। तो वो न्यू बॉर्न बेबी का आज पार्टी है, मतलब यहाँ पे ऐसा लगातार पार्टी 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 हो रहा है ना, और सारे ऐसा हो रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी का पार्टी हो रहा है। और ना पता है क्या, यहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं, या तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट है या तो
ज़्यादातर के न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है या तो फिर ऑलरेडी जिसके बच्चे हैं, गिने चुने लोग होंगे जिनके बच्चे नहीं, उस गिने चुने में मैं भी आती हूँ। और मुझे यहाँ पे सारे लोग ये बोलते हैं कि देखना तुम भी जाने से पहले प्रेग्नेंट होके जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वो सब प्रेग्नेंट होके ही जाता है। मैंने सोचा ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा कुछ सीन है क्या? तो बोले हाँ, मतलब यहाँ का जो माहौल है उसके कारण सारे ही प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मेरे जस्ट आगे भी एक फैमिली रहती है ना, तो उनकी भी अभी जस्ट रिसेंटली शादी हुई है, मेरे एक दो महीने बाद शादी हुई थी, तो वो भी अभी प्रेग्नेंट है। मतलब यहाँ पे सारे लोग प्रेग्नेंट, हर दूसरे दिन में बच्चे का पार्टी, हर दूसरे दिन में बच्चे का पार्टी। मेरे को इतना अजीब लगता है कि यार लोग भी सोचते होंगे यार सबकी पार्टी खा रही है, खुद तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना फ्यूचर प्लानिंग होता है। तो यस, अभी मैं रेडी होती हूँ एंड मैंने आज जो आपको हॉल दिखाया था, मैं सोची उसमें से ही एक कुछ पहन लेती हूँ। तो ना गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं अभी अपना फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो जो मैंने ये इयररिंग का पूरा सेट मंगाया था, तो इसमें से जो ये बीच वाला है ये मैंने अभी कल परसों लगाया था। पहले जो ये इयररिंग था ना वो इस कलर का था, ऐसे गोल्डन कलर में। जब मैंने इसको लगाया उसके बाद मैं नहाई ना, नहाने के बाद इसका कलर देखो ऐसा हो गया ब्लैक, मतलब इतना गंदा क्वालिटी है। आप लोग लिंक भी मांग रहे थे मुझसे, तो मैं लिंक तो नहीं दूंगी क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी गंदी है, तो जो चीज़ गंदी है वो चीज़ का लिंक देके फ़ायदा नहीं है। मेरे कपड़े में वाइट वाइट वर्क है, तो मैंने सोचा ये पर्ल वाला इयरिंग लगाते हैं, क्योंकि ये पर्ल में है, ये ब्लैक भी नहीं होगा। तो गाइज मैंने लगा लिया है एंड मैंने आज बाल भी पोनी किया है, क्योंकि हमेशा मैं खुले रखती हूँ, तो आप लोग बोलते हो अलग स्टाइल करो अलग स्टाइल करो, तो मैंने आज बाल पोनी भी कर लिया। एंड मेन रीज़न ये भी है कि गर्मी होता है, तो इसलिए मैंने बाल पोनी कर लिए। गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो आज भी नीरज नहीं जाने वाले क्योंकि वो ड्यूटी में गए हैं, एंड जैसे हम लोग उस दिन गए थे पैदल पैदल, वैसे ही पैदल पैदल जाने वाले हैं आज भी। तो चलते हैं और मैं आपको फुल लुक बाहर जाके दिखाऊंगी। गाइज ये लोग मुझे हमेशा जल्दी बुला लेते हैं, अपने आप लेट आते हैं, मैं कब से वेट कर रही हूँ, अब जाके आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये मेरे को जल्दी बुला के खुद लेट आने वाली, मैं लेट हो गई थोड़ा। तो ये भी व्लॉग बना रहे हैं अपना, अपना चैनल का नाम बता दो। रेखा पुन के नाम से है इनका भी चैनल, इन्हें जस्ट अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। डेविड ने तो मेरे साथ मैचिंग किया है, पिंक पिंक। ये डेविड की इतनी चर्चा हुई ना, डेविड की इतनी तारीफ हुई वो डांस वाले मेरे व्लॉग में, आधे से ज़्यादा कमेंट डेविड 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 का डांस, डेविड क्यूट, डेविड स्मार्ट, डेविड हैंडसम, डेविड सब कुछ है। शादी ना हो जाए डेविड, हाँ नहीं नहीं लड़की घर में आके बैठ जाएगी भाई, रिश्ता भेजा है डेविड के लिए, अब शादी करने के लिए रेडी है। नहीं नहीं, सबको थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू मेरे को कमेंट करने के लिए, प्यार करने के लिए। सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ज्यादा तारीफ पता है किस चीज की हुई है? किस चीज की? डांस की। फिर आज भी एक परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है दे दूंगा, आए ठीक है दे दूंगा। क्यूट है यार, बहुत तारीफ, बाप इतनी कमेंट आपको नहीं, पूरा डेबिट 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 डेबिट, मतलब बाप रे डेबिट को इतनी प्यारा, डेबिट ने तो क्रेडिट करवा दिया। मम्मी गए, इनकी मम्मी, ये डेबिट की मम्मी सबसे ज्यादा लेट, मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, ये मेरे को कॉल कर देते हैं, फिर दूसरे नंबर पे ये आते, तीसरे नंबर पे वो सबसे ज्यादा लेट। पता नहीं क्या टिकटॉक बना रही है कि क्या है, है ना? क्या हो गया? टिकटॉक आईडी उड़ गया, टिकटॉक आईडी क्यों? मम्मी ने स्विच ऑफ कर दिया था मोबाइल, हाय नुकसान हो गया। ओ हो, कहाँ गई मैडम? मैडम जी हमको बुला के सबसे ज्यादा लेट आती हो, ऐसे लेट हो गया क्या? जल्दी करके तो लेट हो गया, चलो कोई नहीं, कहीं नहीं चले तो चलने। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे आके पता चला कि बेबी गर्ल है। बॉय बोला था? नहीं मैंने बॉय की गर्ल है पता नहीं बोला था। हेलो चीच, क्यूट सा फ्रॉक पहना है, पिंक पिंक, डेबिट और बेबी गर्ल और मैं, आज तीनों पिंकी बने। उनका भी, उनके बजे का भी, बजे का भी पिंकी है, मैचिंग ही है थोड़ा थोड़ा। पिंकी 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 ट्यूनिंग ट्विनिंग, और सब छोड़ो इसके, ये देखो सॉक्स देखो, ग्लव्स देखो, माय गॉड, छोटे छोटे ड्रेस, लंबा बच्चा छोटू, पर आपके साथ इसका पूरा मैचिंग हो रहा है, व्हाइट पिंक। चलो फिर घर चलते हैं, यानी बैठते ना, यानी बैठते। ओ भाई वो हो जीव निकाल दे, छोड़ ऐ एस्तो कथा, ये खाना, बॉयल खाना खाते।
बाय बाय हामी सोरा हौ नि अब के गर्न बोल्न त आता आना त बहुत मन ला उ चाहना के के बोलत के बोल्छन बोल्ने के चाहना है पर... बोल्न त चाहना है तब त हिन्दी नै आता है बोल्न कि फेरि मनै नै लाग्ता है यसै गाए छ के गर्न समझता है ठीक है अब बाय डेविड बाय गुड नाइट। तो गाइज मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो ये व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। एंड खत्म करने से पहले जो पिछला व्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने बोला था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो काफी सारे लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब देख के। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा ही प्यार दे देते हो। मुझे ऐसा लगता है यार मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ, कितना प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों से। तो थैंक यू गाइज, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सो लव यू गाइज। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, बाय।